हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको ऐसी दिमागी पजल बताने वाली हूँ जो आपके दिमाग को घुमाने वाली है। तो भाई जरा ध्यान से देखिएगा और इन सभी पजल के सही जवाब दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पजल नंबर वन। राकेश को दादर से अंबरनाथ जाना था तो वो टिकट काउंटर पे जाता है और टिकट 10 रुपए की होती है, लेकिन राकेश 20 रुपए देता है और कहता है 1 टिकट प्लीज। तो टिकट काउंटर वाला उसे रिटर्न टिकट दे देता है, जाने की भी और आने की भी, और 20 रुपए रख लेता है। तो भाई ऐसे कैसे बिना राकेश से पूछे उसने राकेश को रिटर्न टिकट क्यों दिया, 10 रुपए वापिस क्यों नहीं किए? क्या आप सोच के बता सकते हो क्या? दोस्तों यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब देखते हैं। भाई राकेश ने उसे 10-10 रुपए के 2 नोट दिए थे। अगर राकेश को 1 साइड टिकट चाहिए होता तो राकेश सिर्फ 10 रुपए का नोट देता था ना, लेकिन राकेश ने 10-10 रुपए के 2 छुट्टे नोट दिए थे, मतलब उसे रिटर्न टिकट चाहिए था। यदि दोस्तों आपको यह पजल अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पजल नंबर 2। आकाश और अंकिता, एकता और आशीष दोनों के बेटे 2 दिन से गायब थे तो वो दोनों पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस बताती है कि उन्हें कल शाम को 8 बच्चे मिले थे, तो पहचान लो कि आप लोगों का बच्चा कौन सा है। तो दोस्तों क्या आप इन 8 बच्चों को देखकर बता सकते हो क्या कि आकाश और आशीष के बच्चे कौन कौन से हैं? तो भाई दोस्तों जरा ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों पहले तो दोनों के बेटे गुम हुए थे ना, तो लड़कियां तो सीधे सीधे इस जवाब में से कट गई ना। और बचे हुए में से ध्यान से देखिए तो ये 7 नंबर वाले के बाल आकाश से मिलते हैं और आंखें अंकिता से मिलती है, तो ये इनका बच्चा हो गया। और 4 नंबर वाले के बाल आशीष से मिलते हैं और उसे एकता जैसा गाल पर तिल है, तो ये इनका बच्चा हो गया ना। तो इस प्रकार दोनों को अपने अपने बेटे मिल जाते हैं। दोस्तों आपने क्या जवाब सोचा था तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पजल नंबर 3। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर एक पिक्चर आई है, तो इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए और अब हमें बताइए किस लड़की की सही परछाई कौन सी है। तो भाई दोस्तों जरा ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों दिखाई दी क्या आपको इस लड़की की सही परछाई? नहीं दिखाई दी? अरे यार यह देखिए 2 नंबर वाली परछाई इस लड़की की सही परछाई है, दिखाई दी ना। पजल नंबर 4। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर एक पजल आई है, तो आपको बताना है कि इन सभी खाली जगह पर वह कौन सा एक ही शब्द आएगा। तो भाई दोस्तों जरा सोचो और 10 सेकंड से पहले इस पजल का सही जवाब दो।
तो दोस्तों, आया क्या आपको वह एक ही शब्द? तो वाव, सच में यार आप ऑलराउंडर हो। अरे अच्छा, नहीं आया यार। अरे यार, यह तो एकदम सिंपल था। वह शब्द है पूजा। देखिए भाई, आ गया ना सभी खाली जगह पर वह एक ही शब्द पूजा।